morning everyone. Welcome to today's lecture English. In the last lecture in English, we had done our chapter number 5, activities 1 to 5. Okay. Chapter unit number 5 is हमारा swimming. हमने swimming में swimming की एक poem सीखी थी. Activities 1 complete की थी. Activities 2 complete की. आई होप आप लोगों ने मैंने जो एक्टिविटी 1 to 5 तक कराई है उसके वीडियो लेक्चर और उसके साथ जो पीडीएफ सेंड किया है आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. जैसे जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर्स और इसके साथ पीडीएफ सेंड करती जा रही हूँ वैसे ही आपको हर रोज कंप्लीट कर लेना है. ओके नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर इनकम्प्लीट चैप्टर यूनिट नंबर 5. ओके एक्टिविटीज नंबर 4 तक कंप्लीट की थी. नाउ एक्टिविटीज नंबर 5 ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 36 पे एक्टिविटीज नंबर 5 है. एक्टिविटीज 5 में क्या करना है आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो और टेक्स्ट बुक में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है पिंक कलर से वो इंस्ट्रक्शन को ओपन करो. स्टडी द सेंटेंस गिवन बिलो एंड ट्राई टू मेक सम अदर सेंटेंसेस विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है इसका एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल्स में जो वर्ड्स दिए गए दैट्स लाइक रन फ्लाई वॉक रन फ्लाई वॉक और राइट पेंट राइट राइट एंड रीड. रन का मतलब दौड़ना फ्लाई मतलब उड़ना वॉक मतलब चलना पेंट मतलब ड्रॉ करना पेंटिंग करना राइट यानी लिखना रीड यानी पढ़ना. तो इसी सेंटेंस का इसी वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है अपने साथ कंपेयर करना है. आई कैन फ्लोट फ्लोट यानी हम चैप्टर में सीख चुके हैं फ्लोट यानी तैरना. आई कैन फ्लोट इज इजीली इजीली एज अ बर्ड. मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस से इसी तरह से करना है सिर्फ इस ए वर्ड का यूज करना है. हम दौड़ सकते हैं लेकिन किसकी तरह किस तरीके से दौड़ सकते हैं. यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल दिया है आई कैन फ्लोट फ्लोट यानी तैरना मैं तैर सकता हूँ एज इजीली एज अ बोट. दैट मीन्स इजीली मतलब आराम से मैं बोट की तरह तैर सकता हूँ. बोट कैसे इजीली तैरती है इसी तरह से मैं बोट की तरह इजीली तैर सकता हूँ. इसी तरह हमारे साथ कंपेयर करके हमें एक सेंटेंस बनाना है. तो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए गए रन. ओके तो रन आई कैन रन मतलब मैं दौड़ सकता हूँ. आई कैन रन किसकी तरह से हम दौड़ सकते हैं. आई कैन रन एज फास्ट कौन दौड़ सकता है रैबिट भी दौड़ सकता है और चीता भी दौड़ सकता है. आप जिसके साथ कंपेयर कर सकते हो वो आपको लिखना है. अभी आपको लिखना नहीं ओनली सिर्फ एक्सप्लेनेशन है. आई कैन रन एज फास्ट एज अ रैबिट आई कैन रन फास्ट एज अ चीता आई कैन रन फास्ट एज अ टाइगर वो सब आप लिख सकते हो जो फास्ट रन कर सकता है. ओके सेकंड कैन फ्लाई आई कैन फ्लाई फ्लाई कौन कर सकता है बर्ड्स है काइट फ्लाई होती है राइट. तो हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आई कैन फ्लाई आई कैन फ्लाई क्या अभी दो या तीन सेंटेंस हो गया आई कैन फ्लाई एज अ हाई एज अ काइट एंड आई कैन फ्लाई एज अ बर्ड्स. तो आई कैन फ्लाई एज अ काइट आई कैन फ्लाई एज अ काइट मतलब मैं काइट की तरह ऊपर उड़ सकती हूँ. सेकेंड फ्रॉम वॉक आई कैन वॉक मैं किसकी तरह चल सकता हूँ आई कैन वॉक
आई कैन वॉक स्लो कौन चलता है, आई कैन वॉक एज स्लो एज अ टर्टल, स्लो कौन चलता है टर्टल, ओके। फिर नेक्स्ट है पेन, इसी तरह से हमने कंपेयर करके इस सारे सेंटेंस है वो अपने आप बनाना है। पेंट है तो आई कैन पेंट एज अ लवली एज अ पेंटर। नेक्स्ट राइट, हम किसी तरह से लिख सकते हैं, आई कैन राइट एज अ फास्ट एज अ कंप्यूटर। नेक्स्ट रीड, रीड क्या है, आई कैन रीड, रीड कौन अच्छी तरह से कर सकता है, तो हमें रीड के साथ कंपेयर करना है कि आई कैन रीड एज अ लाउडली एज अ माइक, मतलब हमें ऐसे रीड करना है कि माइक की भी जरूरत ना पड़े, ओके। तो ये सारे सेंटेंस से हमें हमारी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, लेकिन आपको यहाँ से देख के नहीं लिखना है, आपको पीडीएफ में से देख के लिखना है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर सिक्स, एक्टिविटी नंबर सिक्स में आपको दिया गया है कि लुक एट द वर्ड्स इन कॉलम ए और कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी में वर्ड्स दिए गए, वो वर्ड्स में आपको आईएनजी लगाना है, क्या करना है आईएनजी। आप ग्रामर में सीख चुके हो आईएनजी लगाना है तो पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, राइट। आपको आपका जो ग्रामर में चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे कट लिखा है कॉलम ए में, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कटिंग, राइट। एंड सम वर्ब्स ऐसे होते हैं जो उसके पीछे वी आता है, तो वी को हमें क्या करना है, वी को कट करना है और क्या लगाना है आई एन जी, यस। नेक्स्ट सर्ट, सर्ट तो क्या हो जाएगा सटिंग, नेक्स्ट रन तो क्या हो जाएगा रनिंग, स्टॉप तो स्टॉपिंग, ये कंप्लीट करना है आपको अपनी नेक्स्ट बुक में। स्विम यानी स्विमिंग, you have to write in your textbook with in page number 36, okay। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने ing लगा दिया, right? ing लगाने के बाद हमें क्या करना है, sentence बनाना है, simple present present continuous tense का हमें sentence बनाना है। तो sentence यहाँ पे example दिया गया है, one is done for us, a wood cutter is कटिंग द ट्री, तो हमें इसी तरह से फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है कि अ वुड कटर इज कटिंग द ट्री, तो वुड कटर से हम क्या करते हैं ट्री को कटिंग करते हैं। इसी तरह से सेकंड है सटिंग, तो सटिंग का क्या होगा, नीता इज सटिंग द डोर, सटिंग यानी बंद करना, रनिंग यानी दौड़ना, स्टॉपिंग यानी स्टॉप हो जाना, स्विमिंग यानी देन। तो ये सारे जो वर्ड्स है उसके हमें सेंटेंस बनाने हैं, तो वो सेंटेंस भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिस तरह से नीता इज शटिंग द डोर रनिंग, मोहन इज रनिंग रनिंग फास्ट, स्टॉपिंग स्टॉपिंग यानी द पोलिसमैन इज स्टॉपिंग इन द स्टॉपिंग द कार, एंड स्विमिंग यानी मोहन इज स्विमिंग इन द रिवर, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर सेवन, पेज नंबर 37, एक्टिविटीज नंबर 7, फन एंड साउंड द वर्ड्स। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेटरी, मतलब आप कहीं पे भी बोल रहे हो, जैसे कुछ एक्साइटमेंट हो रहे हो तो कुछ अलग आवाज हो रही है, राइट। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो और गेम में भी अगर आप विनर नहीं हुए हो, लूजर हो गए, तो भी आपके मुंह से कुछ अलग सा साउंड निकल रहा है, राइट। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे अलग अलग साउंड दिए गए, तो वो साउंड कहाँ पे यूज होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है,
some interesting word sounds like the noise for which they stand. You use different tones of voice when you say these words. The voice becomes louder more the forcefully. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है zoom. क्या दिया है zoom और bang. एक्टिविटी नंबर 7 एंड पेज नंबर 37. ओके zoom when the car मतलब बैंक का मेरे को सदा है बैंक द डोर. जब हम डोर के पास पहुंचते तब क्या होता है बैंक होता है और जूम मतलब बैंक द कार. और इस तरह से यहाँ पे सम साउंड्स दिए गए हैं. क्लिक क्लिक का आवाज कब आता है. क्लिक आपको पता है ये क्या है. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. क्या है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स मतलब क्लिक का कब यूज होता है. क्लिक वैन द कैमरा. जब आप कैमरा का यूज करो आपने अगर फोटो खींची है तो क्या होगा कब आवाज आएगी वैन द कैमरा. ओके नेक्स्ट है चीयर. चीयर आप अपने अपना जो फर्स्ट चैप्टर से उसमें गार्डन चैप्टर आया उसमें बर्ड का जो साउंड होता है उसमें बर्ड के साउंड को क्या यूज करते हैं हम चीरस. तो चीरस चीरस सेड द बर्ड. बर्ड्स क्या करते हैं चीरस. ओके सेकेंड व्हिस्पर. व्हिस्पर यानी टू द लिटल बॉय. जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको हम इसकी जो चलने की आवाज है उसको हम क्या कहते हैं व्हिस्पर. ब्राउ ब्राउ यानी जब आप कोई भी गेम खेलो आप कोई भी गेम खेलो और आप जीतो तब क्या आपको अगर सीरियस देखते होंगे तो उसमें आता होगा ब्राउ. और उसकी एक्शन भी कैसे करते हैं आपको बता रहे हैं. जब आप विन हो जाए विन अ गेम. नेक्स्ट ओ यानी आप बार बार ऐसे ये वर्ड यूज करते ओ नो राइट. तो इस तरह से आई लॉस द गेम. अगर आप गेम खेले और लॉस हो गए ओ नो राइट. तो इस तरह का साउंड यूज करते आह यानी या आप कई बार यूज करते हो आई नो इज ओ वो तो मुझे पता है ना. तो इस तरह का साउंड यूज करते हुर्रे. हुर्रे का यूज कब करते हो. आई गॉट द फर्स्ट प्राइज. जब किसी को आपको फर्स्ट प्राइज मिलते हो तो आप एक्साइट हो जाते हो हुर्रे ऐसा साउंड करते हैं. तो आश आई एम नॉट गोइंग फॉर द पिकनिक. अगर आप पिकनिक स्कूल में से जा रहे हो अगर आप पिकनिक में नहीं जा रहे हो तो क्या बोलो क्या साउंड करते आश मैं तो पिकनिक में नहीं जा रही है ना. वंडरफुल वंडरफुल यानी अमेजिंग वंडरफुल. अगर आपने कभी भी नहीं देखा हो ऐसा अगर सीन आपके सामने आ गया होगा आप क्या बोले वाओ वंडरफुल है ना. तो इस तरह का यूज हम वंडरफुल का यूज करते हैं. और आपका अगर होमवर्क कंप्लीट हो गया हो आप होमवर्क कंप्लीट करते ही नहीं और आपका होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो तो आपकी मदर सब को पूछते हैं कंप्लीट योर होमवर्क. तो मम्मा क्या बोलेगी वंडरफुल. अच्छी तरह से इस तरह से आप इजीली जो साउंड्स है उसका यूज करते हो. तो ये सारे सेंटेंस है आपको टेक्स्ट बुक में लिखने और टेक्स्ट बुक में आपको इसी लेक्चर के साथ पीडीएफ मिल जाएगा. एक्टिविटी नंबर 8 रीड एंड एंजॉय द पोयम. सॉरी स्विमिंग. कौन सी है स्विमिंग. स्विमिंग स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल. व्हेन डेज आर हॉट और डेज आर कूल इन द स्विमिंग पूल. यहाँ पे वापिस हमको स्विमिंग पूल की जो रैंक से वो दी गई है कि स्विमिंग स्विमिंग यानी तैरना तैरना स्विमिंग पूल के अंदर तैरना. व्हेन डेज आर हॉट और डेज आर कूल. जब दिन गर्म होता और जब दिन ठंडा होता इन द स्विमिंग पूल. बैक स्ट्रोक साइड स्ट्रोक फैंसी डाइविंग टू देयर नो प्लेस
मतलब बैक स्ट्रोक यानी तैरने की जो अलग अलग स्टाइल होती है, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और फेंसी डाइविंग, मतलब आपको स्विमिंग के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो आप YouTube में सर्च करके स्विमिंग के बारे में आप बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और फेंसी डाइविंग को आप डीपली जान सकते हो। देर आर नो प्लेस, अगर प्लेस नहीं है तो भी स्विमिंग पूल में जगह नहीं है तो भी क्या करना है आपको, स्विमिंग 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 और अच्छी तरह से स्विमिंग करना है। ओके राइट, तो ये था हमारा, हमारी जो सेकंड एक्टिविटीज नंबर 8 है उसकी पोयम। नाउ एक्टिविटीज नंबर 9, लुक एट द वर्ड्स ए एंड मैच देम इन इमेजेस। जिस तरह से हमें आगे दिया गया था कि वर्ड्स दिए गए और वर्ड्स के साथ पिक्चर्स को मैच करना है, राइट। एक्टिविटीज नंबर 9 ए और बी, यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं बैक स्ट्रोक, सेकंड साइड स्ट्रोक, और थर्ड है फेंसी डाइविंग, डाइविंग यानी जंप लगाना। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर दे देंगे 1, 2 एंड 3, तो आपको रीड करने में इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो पिक्चर्स के सामने ए बी और सी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब बैक स्ट्रोक किसको बोलते हैं, यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऊपर, राइट, 1, 2 और 3। ए के साथ क्या आता है, बैक स्ट्रोक, बैक यानी आपका फेस दिख रहा है इसे बैक स्ट्रोक। तो ए के सामने क्या आएगा, सी, फिर साइड स्ट्रोक यानी साइड से देखना। तो बी के सामने क्या आएगा, सेकंड के सामने ए, सेकंड के सामने ए, एंड थर्ड है फेंसी डाइविंग, तो थर्ड के सामने क्या आएगा, बी, थर्ड के सामने बी। ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको स्विमिंग के बारे में कुछ डीपली जानना है तो आप YouTube में सर्च करके आप डीप में उसमें समझ सकते हो। एक्टिविटीज नंबर 10, फाइंड आउट व्हाट इज सिमिलर इन द पोएम एक्टिविटीज नंबर 2 एंड एक्टिविटीज नंबर 8। नोट एनी टू सिमिलर डिस्कस देम विद द टीचर्स एंड फ्रेंड्स। एक्टिविटीज नंबर 10 है वो हमें हमारी नोटबुक है इसमें लिखनी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ डिस्कस करना है कि एक्टिविटीज नंबर 2 एंड एक्टिविटीज नंबर 8 में सिमिलैरिटी क्या है। हमने कल एक्टिविटीज 2 है बोला किया, आज एक्टिविटीज 8 है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इन दोनों में से सिमिलैरिटी क्या है। फर्स्ट, दोनों पोयम तो एक ही, किसकी है, स्विमिंग। बोथ द पोयम्स आर अबाउट स्विमिंग, बोथ जो पोयम है, दोनों जो पोयम है वो स्विमिंग के बारे में है। एंड सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, बोथ द पोयम्स हैव मेंशन गुड डे एंड समर्स, दोनों जो पोयम्स है उसमें गुड डे, एक में हॉट डे हमें स्पेसिफाई किया है और एक में समर किया है, हॉट डे और समर दोनों एक ही है। तो सेकंड सिमिलैरिटी क्या है, बोथ द पोयम्स हैव मेंशन द हॉट डे एंड समर। एंड थर्ड सिमिलैरिटी क्या है, बोथ द पोयम्स मेंशन डाइविंग, बोथ द पोयम मेंशन डाइविंग, मतलब दोनों पोयम में मेंशन किया हुआ है डाइविंग का। जो हमारी एक्टिविटीज नंबर 8 में जो पोयम है उसमें डाइविंग, फेंसी डाइविंग का यूज किया हुआ है, और जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है उन्होंने सिर्फ डाइविंग का यूज किया है, लेकिन डाइविंग मतलब डाइविंग मतलब जंप करना, गुजराती में कहते हैं खुद को मारो, पर खुद को मारे होगा स्विमिंग थी सके नहीं। इसलिए एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटीज नंबर 8 में अलग अलग टाइप्स की डाइविंग है वो बताया गया है। ओके, इसके साथ हम हमारा एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और
वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही।